प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 10 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु कोविड-19 के कारण उक्त सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। अब वे सभी परीक्षाएं 8 जुलाई 2021 से रिज्यूम की गई हैं, प्रारंभ की जाएगी। लेकिन विश्वविद्यालय ने उक्त परीक्षाओं को कराने के लिए कुछ संशोधन किए हैं। उन संशोधन से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा, जिससे कि आपको परीक्षा में कठिनाई न हो, परीक्षा में समस्याओं का सामना न करना पड़े। सबसे पहले विश्वविद्यालय ने एक पॉलिसी बनाई है, ओनली वन पेपर इन वन सब्जेक्ट। अब आपको एक सब्जेक्ट का केवल एक ही पेपर अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में दो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो वे दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, एक ही समय में होंगे, और उनमें से कोई सा एक पेपर आपको केवल अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, कोई सा एक जो आप चॉइस करना चाहें उसी पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। और उस पेपर में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर उस सब्जेक्ट के दूसरे पेपर कोड में आपको मार्क्स प्रदान कर दिए जाएंगे। तो आपको केवल एक सब्जेक्ट का एक पेपर ही देना है, एक सब्जेक्ट का केवल एक कोड का ही पेपर अटेम्प्ट करना है। यहां पर हम ध्यान देना चाहेंगे कि 12 अप्रैल 2021 को कुछ परीक्षाएं हो चुकी थी, जिसमें हमारे महाविद्यालय की मैथमेटिक्स और जूलॉजी का फर्स्ट पेपर हो चुका है। विश्वविद्यालय और इसके सेकंड और थर्ड पेपर अब 8 जुलाई 2021 को है। विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं को छूट दी है कि यदि कोई छात्र छात्रा, कोई परीक्षार्थी चाहे तो वह 8 जुलाई की परीक्षा छोड़ सकता है। तब उसको सेकेंड और थर्ड पेपर में जो मार्क्स प्रदान किए जाएंगे वो फर्स्ट पेपर के आधार पर किए जाएंगे, जो कि 12 अप्रैल को परीक्षा हुई थी। परंतु यदि कोई छात्र चाहे तो 8 जुलाई को परीक्षा दे सकता है, सेकंड पेपर की या थर्ड पेपर की, किसी एक पेपर की। लेकिन जो पेपर वो 8 जुलाई को देगा, जितने मार्क्स उसको 8 जुलाई की परीक्षा में मिलेंगे वही मार्क्स आपके फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर में आपके प्रदान किए जाएंगे। उन्हीं के आधार पर अन्य पेपर में, पेपर कोड में आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। तो अतः इतनी सब को देखते हुए आप अपनी चॉइस फिक्स करें, पेपर 8 जुलाई को आपको देना है नहीं देना है, सब सुनिश्चित करें। अब आता है पेपर स्ट्रक्चर। पेपर स्ट्रक्चर कैसा होगा? बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर के लिए जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर होगा, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में आपके 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, उनमें से कोई से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, 10 में से कोई से 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और इनमें आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन दोनों सेक्शन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सिमिलरली सेक्शन डी और सेक्शन ई में से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, अटेम्प्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपको आंसर देने। नेक्स्ट आता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर दोज पेपर हैविंग मार्क्स इक्वल टू 50, वे पेपर जो 50 नंबर के होते हैं उनमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सेक्शन ए में प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 4 नंबर का होगा। सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई में प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, 15 नंबर का होगा। और इस तरह से आपके टोटल मार्क्स जो है वो 50 बन जाएंगे। सिमिलरली फॉर दोज पेपर हैविंग मैक्सिमम मार्क्स 65, जैसे कि मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो 65 नंबर के पेपर होते हैं उनमें सेक्शन ए का प्रत्येक क्वेश्चन 5.2 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी, सी, डी, ई का प्रत्येक क्वेश्चन 19.5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये भी टोटल आपके मार्क्स बन जाएंगे 65। सिमिलरली फॉर दोज पेपर हैविंग मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 70,
70 नंबर वाले पेपर जो होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर होता है, तो उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेक्शन ए ईच क्वेश्चन 5.6 मार्क्स का होगा, एंड सेक्शन बी सी डी ई में ईच क्वेश्चन जो है वो 21 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 70। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट आता है बी ए बी एस सी बी कॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए, तो उसमें आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। बी ए बी एस सी थर्ड ईयर की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन में, और 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 75 क्वेश्चन। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि हमें सभी परीक्षाएं जो है COVID-19 प्रोटोकॉल के अधीन करानी है, तो आपको कोविड प्रोटोकॉल कुछ याद रखने हैं, उनका फॉलो करना है। तो उसी में सबसे पहले आता है मास्क। वियरिंग मास्क इज कंपल्सरी, मास्क पहनना अनिवार्य है। महाविद्यालय में मास्क पहने बिना आपको एंट्री सुनिश्चित नहीं कराई जाएगी, अतः सभी छात्र छात्राएं मास्क पहने, मास्क भी उचित रूप से पहने। आपकी नाक और मुंह आपके मास्क से ढका होना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सके, दूसरों को सुरक्षित रख सके। सही तरीके से मास्क पहने। तीसरा आता है आपके पास में सैनिटाइजेशन के लिए, आप एक छोटा पॉकेट हैंड सैनिटाइजर अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आप महाविद्यालय में भी और बाहर भी अपने आप को सुरक्षित रख सके। यद्यपि महाविद्यालय ने अपने स्तर पर सैनिटाइजर की और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है, आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, आपको सैनिटाइज कराया जाएगा, परंतु अपनी सुरक्षा के लिए, बाह्य सुरक्षा के लिए भी आप अपनी ये प्रोटोकॉल फॉलो करें। आगे आता है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, महाविद्यालय में गोले बनाए गए हैं और गोले सभी छाया में बनाए गए हैं, वृक्ष की घनी छाया में गोले बने हैं, अतः महाविद्यालय की मेन गेट से एंट्री होने के बाद आप गोलों में खड़ा होना सुनिश्चित करें, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, उसमें सबसे पहला आता है कंफर्म योर सीट अलॉटमेंट। सबसे पहले आप अपना सीट देखिए कि आपका रोल नंबर कहां पर अलॉट किया गया है, किस एग्जाम हॉल में अलॉट किया गया है। उसके लिए बाहर बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक कौन से रूम में अलॉट किया गया है, तो वहां से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर किस एग्जाम हॉल में या किस एग्जाम रूम में अलॉट किया गया है। देन सेकंड, गो टू द एग्जाम हॉल। आप जिस एग्जाम हॉल में आपका रोल नंबर अलॉट किया गया है उसमें जाइए एंड कंफर्म योर सीट इन द हॉल। उस एग्जाम हॉल में या एग्जाम रूम में मेन एंट्री पर गेट पर आपको एक सीटिंग प्लान लगा होगा, उस सीटिंग प्लान में आप अपना रोल नंबर देखिए कि किस सीट नंबर पर आपको सीट अलॉट की गई है, और आप इस तरह से अपना रोल नंबर सुनिश्चित कीजिए और आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। सीधा बैठिए, बीच में कहीं पर भी इकट्ठा न हो, सीधा आप अपनी सीट पर बैठिए। देन थर्ड, कंफर्म योर चॉइस ऑफ पेपर, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द इनविजिलेटर। इसके बाद आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर देना चाहते हैं, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, कौन सा पेपर देना चाहते हैं, वो अपने एग्जाम हॉल के इनविजिलेटर को सुनिश्चित कराइए, उनको बताइए कि सर मैं फर्स्ट पेपर देना चाहता हूं या सेकंड पेपर या थर्ड पेपर। द फोर्थ पॉइंट इज चेक योर पेपर व्हिच हैव बीन गिवन टू यू। आप उस जब आपको पेपर क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसको सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये उसी कोड का पेपर है जो कोड का पेपर आप देना चाहते हैं, यदि नहीं तो आप अपने इनविजिलेटर को इससे अवगत कराइए। फिफ्थ पॉइंट इज अलॉटेड टाइम इक्वल टू 1 hour and 30 minutes ओनली। आपको केवल अपने पेपर 1.5 घंटे में करना है, 1 घंटा 30 मिनट आपको अलाउ किया गया है, तो इसमें आप सुनिश्चित करें अपने पेपर को कंप्लीट करने। इसके बाद आपकी अटेंडेंस से संबंधित एक ही अटेंडेंस शीट जो कि P7 फॉर्म है, ये आपको दिया जाता है। इसमें सबसे पहले आप सुनिश्चित करें ये सब्जेक्ट कि आपको जो अटेंडेंस शीट मिली है क्या ये उसी सब्जेक्ट की है जिसका आप पेपर देने आए हैं, फिर सुनिश्चित करें कि उस सब्जेक्ट में क्या ये उसी कोड की है जिस कोड की परीक्षा आप देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में
बी 227 की परीक्षा देना चाहते हैं तो आप देखिए कि ये अटेंडेंस शीट पर मैथमेटिक्स और बी 227 लिखा है या नहीं लिखा है, क्या ये इसी कोड की है। तो आप पहले ये सुनिश्चित करें कि अटेंडेंस शीट उसी कोड की होनी चाहिए जिस कोड की आप परीक्षा देना चाहते हैं। मान लीजिए आप 227 की नहीं है तो आपको जो मिलेगी, फिर आप 228 का पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका कोड होगा 228। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की चेक कीजिए और उसके बाद वो कोड चेक कीजिए, वो प्रश्न पत्र का कोड चेक कीजिए जो कोड का पेपर आप, जिस कोड का पेपर आप देना चाहते हैं। उसके बाद जब ये सुनिश्चित हो जाए आपको, तो आप इस अटेंडेंस शीट में यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे, अपना पूरा रोल नंबर सही से लिखना है। और इसके बाद अगले कॉलम में यहाँ पर आपको अपनी आंसर बुक नंबर या आंसर शीट नंबर आपको भरनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। बीएससी थर्ड ईयर या बीए थर्ड ईयर या बीकॉम थर्ड ईयर के लिए ये तीनों कॉलम आपके भरने हैं। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भरनी है, PQRS या क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरने हैं आपको, और यहाँ पर OMR शीट नंबर भरने हैं। लेकिन सेकंड ईयर वालों के लिए केवल यहाँ पर आपको आंसर बुक नंबर भरनी है और आपको सिग्नेचर करने हैं। आपको ये सभी काम दो प्रतियों में करना है। ये आपकी अटेंडेंस है जो सुनिश्चित करेगी कि आपने कौन से कोड की परीक्षा दी है, अतः इसे सही से भरें, ध्यानपूर्वक भरें। कोई भी समस्या हो तो आपके जो रूम इन्विजिलेटर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप सहायता ले सकते हैं, वो आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। तो इन्हीं निर्देशों के साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और सुनिश्चित कीजिए हमें कौन सी परीक्षा देनी है, कौन सा पेपर देना है, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा पेपर देना है, उसकी तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।